हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल मखनी की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल काली उड़द की दाल। इसे मैंने 8 से 10 घंटे तक भिगोकर रखा है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसे भिगोने के बाद और फिर से इसे 4-5 बार अच्छी तरह से हाथ से मैश करते हुए साफ करना है, ताकि इसका जो कालापन है वो हट जाए। ये जितनी साफ होगी दाल हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी, उसका रंग उतना ही अच्छा आएगा। और मैंने लिया है 1/4 से भी थोड़ा कम राजमा। इसे भी मैंने 8 से 10 घंटे भिगोकर रखा है। और मैंने लिया है लगभग 1.5 इंच अदरक बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च कटी हुई, धनिया की पत्तियाँ, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून और 1 पिंच हींग। मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ 3 टमाटर की प्योरी बनाई है। और ये मैंने 3 टेबलस्पून मलाई के लिए हैं, ये होममेड है, आप चाहें तो मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 50 ग्राम बटर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम दाल और राजमा को कुकर में उबाल लेते हैं। कुकर में ये सारी उड़द की दाल जो मैंने सोख करके पानी में रखी है उसे मैंने डाल लिया। और राजमा, अब मैं इसमें जितनी दाल है उससे ज़्यादा पानी डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 पिंच हींग की और अदरक, थोड़ी सी अदरक, और आप इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डाल दीजिए। अब इसे आपको 5 सीटी लगानी है और कम से कम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखना है, क्योंकि इसे बहुत अच्छी तरह से पकाना होता है, तब ये दाल अच्छी तरह से गलती है। जब तक कुकर की प्रेशर डाउन होती है तब तक हम लोग पैन में घी को गर्म कर लेते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ। इसे गर्म होने दें। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत जीरा और जैसे ही जीरा अच्छी तरह से पक जाए हमें इसमें डालना है ये बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप बारीक भी काट कर दे सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पका लें। और अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने 3 टमाटर की प्योरी बनाई है, इसे इसमें डाल देती हूँ। बिना लहसुन प्याज वाली दाल मखनी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन फिर भी यदि आप लहसुन प्याज डालना चाहते हैं तो आपको जीरा डालने के बाद पहले लहसुन की बारीक कलियाँ कटी हुई डालनी है और फिर प्याज डालना है। टमाटर को अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। इसे 2 मिनट के लिए कम से कम फ्राई कर लें। टमाटर भूनने के बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और इसमें कसूरी मेथी भी हमें डाल देनी है।
अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और वो घी जो हमने डाला है वो थोड़ी थोड़ी उससे रिलीज़ हो जाए मसालों से। मसाले बहुत अच्छी तरह से भुना चुके हैं। अब मैं इसमें ये पकी हुई दाल डालूंगी। ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। चलिए अब हम इसे पैन में डाल देते हैं। दाल को हमें मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 2 टेबलस्पून मलाई। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब चलिए इसमें मैं डालती हूँ मक्खन। इसका नाम ही दाल मखनी है तो इसमें मक्खन आप जितनी ज़्यादा डालिएगा उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है और उतनी ही ये इसमें एक थिकनेस होती है। इसलिए मैंने हींग डाला था उबालने में ताकि इसकी जो हैवीनेस है इसकी रिचनेस वो थोड़ी सी कम हो जाए हींग डालने से। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक मैं इसमें बहुत थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है और ऑलरेडी हम लोग उबालने में भी नमक डाल चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। आप इसमें लगभग 1.5 कप के पानी डाल लीजिए। 1.5 कप लगभग पानी डाल लीजिए क्योंकि हमें इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के पकाना है और ताकि ये बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाए। आप इसे जितनी ज़्यादा देर पकाइएगा ये उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। आप इसे 1 घंटे 2 घंटे कितनी भी देर पका सकते हैं, इसका स्वाद उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए मिनिमम आपको 20 से 25 मिनट के लिए आपको इसे रखना होगा लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से गरम मसाला को मिक्स करने के बाद अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे लिड से ढक देती हूँ और इसे 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देती हूँ। एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो इसे 20 से 25 मिनट या जितनी भी देर आप चाहें छोड़ते हैं, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, इसे बीच बीच में चलाते रहना है। ये देखिए ये दाल लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इस दाल को सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ और ये हमारी दाल मखनी बनकर रेडी है। मैंने इसे क्रीम और मक्खन से गार्निश कर लिया है। आपको यदि मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।